ये है ओसाका की 308 LED वीडियो लाइट और ये मैं लगभग 3 साल से यूज कर रहा हूँ। और इसका सेकंड रिव्यू देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं लगभग इसे 3 से 4 साल हो गए यूज करते हुए, लेकिन इस पर एक दिक्कत आई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस लाइट में आप देखें, ये बहुत ही लाइट वेट लाइट है और आप देखें यहाँ पर बहुत ही छोटी लाइट है, हम कह सकते हैं इसको पॉकेट लाइट भी हम कह सकते हैं। अगर आप YouTube में काम करते हैं, वेडिंग करते हैं या फिर अदर कोई नाइट शूट लेते हैं तो आप इस LED लाइट को ले सकते हैं। ये ओसाका की 308 LED लाइट है और इस लाइट का यूज करके आप नाइट वीडियो बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये LED है और इसका जो ऑपरेट करेगा उसकी बैटरी ये है, मेरे हाथ में है, ये ओसाका की बैटरी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी LED पे अपनी बैटरी लगा देता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बैटरी लगा दी है और आप देखिए बहुत ही अच्छे से लग गई है। हम अगर बैटरी भी पकड़ के नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ये हमारी LED आराम से लगी हुई है। और इसको अगर आपको इजेक्ट करना है तो यहाँ पर एक बटन दी गई है साइड में, तो इसको यहाँ से आपको हल्का सा प्रेस करना है और बाहर की तरफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बैटरी हमारी निकल आई है और दोबारा से मैं इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लगाता है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से बैटरी लगा दी है और पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ऑन बटन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो आप देखिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर ऑन है और साइड में देखिए दोनों ही रिंग जीरो पे हैं। अगर मैं एक रिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक बढ़ाई, देखिए हल्का सा मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये फ्लिकरिंग कर रही है, देखिए इस पर ये प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए एकदम से बढ़ रही है, एकदम से घट रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी इस लाइट में यही आई है, एक दो बार मेरी ये लाइट गिर गई थी तो यही दिक्कत आ गई है कि इस लाइट का जो लाइट जलने का तरीका है वो बहुत बेकार हो गया है। और अगर हम इसका यूज वीडियो वेडिंग में करते हैं, अगर हमको स्लो लाइट चाहिए तो ये काफ़ी दिक्कत करती है मेरी लाइट। और जैसे कि मैं अभी इसको हल्का सा बढ़ा के दिखा रहा हूँ, देखिए मैं इसको हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको हल्का सा बढ़ाया मैं देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए हल्का सा अगर मैं टच करता हूँ देखिए ये देखिए हिल रही है। ये लाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए मेरी वार्म लाइट जल रही है जबकि मैं इसका कुछ मैंने यूज नहीं किया है, जीरो है ये, देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, वार्म नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा टच करता हूँ ये देखिए वार्म जलने लगती है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है इसके रिंग की, जहाँ से ये लाइट ऑपरेट करता है, कम ज़्यादा करता है, केल्विन बनाता है। नीचे वाली जो रिंग है वो 3200 केल्विन तक आती है और ऊपर वाली जो रिंग है वो 5600 केल्विन तक आती है। जो ऊपर वाली है वो हमारी वाइट लाइट है, आप देखिए यहाँ पर मैंने वाइट लाइट जला दी है, ये देखिए एकदम से वाइट है और ये देखिए एकदम वाइट है। और अगर हम इसको डाउन करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया है और ये देखिए नीचे वाली जो लाइट है इसको वार्म लाइट है, ये देखिए वार्म, ये हमारी जली वार्म, आप देखें वीडियो पे दिख रहा होगा अच्छे से, ये हमारा वार्म लाइट है, आप देखिए यहाँ पर मैंने वार्म लाइट जला दी है। और इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा है, अगर आप फुल लाइट पे इस बैटरी से शूट करते हैं तो इस बैटरी का बैकअप लगभग 1.5 से 2 घंटे रहता है। अगर आप मीडियम में इस बैटरी को चलाएंगे, लाइट जलाएंगे मीडियम साइज़ में, तो आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे ये बैकअप देती है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइट है हमारी वीडियो के लिए, वेडिंग के लिए एंड यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए जो अपना नाइट शूट करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी लाइट है। लेकिन मेरी लाइट में क्या प्रॉब्लम आ गई इसलिए मैंने सोचा आपको शेयर कर दें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।